नाला का पानी रोड पर बहने से लोगों का जीना हुआ मुहाल। नरकटियागंज से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या समस्या भैया? समस्या यही है कि नाली पूरा भरा हुआ है। नाली का सफाई हुए करीब करीब 6 महीना से ऊपर हो गया, कोई नाली का सफाई नहीं है, ना नगर परिषद ध्यान दे रहा है। पानी 4 दिन से जमा हुआ है, वाटर फ्लो है, अभी कोरोना गया हुआ है, अभी वाटर फ्लो आया हुआ है। नाली का पानी इतना ना हद से ज्यादा बदबू दे रहा है कि कोई इसका जवाब ही नहीं है। आज 4 दिन आज हो गया पानी के जमा होते हुए, ना वार्ड पार्षद का कोई रिस्पॉन्स है, ना नगर परिषद का कोई। वार्ड पार्षद से आप बोले थे? वार्ड पार्षद से एक बार कॉलिंग हुआ था, कॉल उठाए नहीं थे, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और किस तरह का समस्या है? मतलब संक्रमण फैलने का भी डर है? संक्रमण फैलने का डर है, और सेकंड बात ये कि रोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है, और दुकान पे कस्टमर नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा हम लोग 4-5 आदमी यहाँ जो दुकानदार है, उन लोगों को परेशानी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चा सब यहाँ बगल में पढ़ाई करता है, सब आने जाने में उस सबको सबसे ज्यादा परेशानी है, लोगों को भी आने जाने में परेशानी है। इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नगर परिषद की गाड़ी आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं। कितने दिन से समस्या है नाली का जाम का? करीब आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया, 4 दिन से पानी बढ़ते जा रहा है, कोई बढ़ते जा रहा है, मतलब नहीं। सड़क भी टूट रहा है, सड़क भी टूट रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नंदवन से प्रिंस ठाकुर। वार्ड नंबर कितना है आपका? 5। कौन सा क्षेत्र है आपका? ये खोड़ीनंदपुर। खोड़ीनंदपुर वार्ड नंबर 5 जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नंदवन से प्रिंस ठाकुर।